की गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उन सभी के लिए एक ऐसी योजना बनाई गई है जिसके अंतर्गत वो ना जाने कितने सरकारी योजनाओं का लाभ भरपूर मात्रा में उठा सकते हैं। दोस्तों, सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपको बताएंगे कि अगर आपके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है, अगर आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, तो आप ई श्रम कार्ड के अंतर्गत कौन से ऐसे पांच बड़े लाभ हैं जिसका फायदा डायरेक्टली उठा सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पाने के लिए श्रम कार्ड के बारे में हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट और साथ ही डेली न्यूज़ अपडेट्स के साथ साथ आपको सरकार द्वारा उठाए गए हर एक बड़े कदम के बारे में डिटेल में पूरी जानकारी सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों, अगर आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, तो सबसे पहला लाभ आप बेरोजगारी भत्ता का उठा सकते हैं। काम चल रहा है या नहीं चल रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक बेरोजगारी भत्ता के तहत आपको हर महीने भुगतान किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ई श्रम कार्ड की पहली किस्त जारी हो चुकी है और दूसरी किस्त के बारे में एक बार फिर से जनता के बीच हलचल मच चुकी है, क्योंकि ई श्रम कार्ड की पहली किस्त 1,000 रुपए आई थी और अब ई श्रम कार्ड की जो दूसरी किस्त है वो बताया जा रहा है कि 5,000 रुपए तक आने वाली है। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आप LPG गैस सिलेंडर आधे दाम पर उठा सकते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त LPG गैस सिलेंडर की कीमत, घरेलू जो LPG गैस सिलेंडर है उसकी कीमत 1,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आप LPG गैस सिलेंडर सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में उठा सकते हैं, और वो भी सब्सिडी के साथ। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो अगर आप रेलवे से यात्रा करते हैं तो आप रेलवे में सिर्फ और सिर्फ आधा किराया ही भुगतान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ई श्रम कार्ड न सिर्फ आधार कार्ड से बल्कि बैंक डिटेल और साथ ही आपके अन्य सरकारी कागजात से भी जुड़े हुए हैं। अगर आप आधार कार्ड कहीं लेकर नहीं जाते हैं, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है, तो आप ई श्रम कार्ड से भी किसी भी अन्य सरकारी काम में ई श्रम कार्ड को भी लगा सकते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अगर आपके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है, अगर आप मंथली राशन उठाते हैं, तो उस राशन के लिए आपको अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल राशन कार्ड पर 2 रुपये प्रति चावल और साथ ही 1 रुपये प्रति गेहूँ के लिए भुगतान करना पड़ता है, पर ई श्रम कार्ड के द्वारा आप फ्री में राशन उठा सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आप 1.5 लाख रुपये तक का 0% इंटरेस्ट पर 3 महीने के लिए पैसा उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपके पास 2-व्हीलर है, अगर आपने उसका लाइसेंस नहीं बनवा रखा है, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है, तो आप ई श्रम कार्ड को भी लाइसेंस में तब्दीली करा सकते हैं। आपको इसकी पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मुहैया करा दी जाएगी। अगर आपने ई श्रम कार्ड नहीं बनवा रखा है, तो आप किस प्रकार सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपके राज्य में अभी तक ई श्रम कार्ड को लेकर इतनी बड़ी जानकारी नहीं मिली है, तो आप अपने राज्य का नाम कॉमेंट में मैंशन ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके राज्य में ई श्रम कार्ड की ये सारी सुविधाएँ कब से कब तक चलाई जाएंगी, इसकी पूरी जानकारी अब तक पहुँचाई जा सके। साथ ही अगर आपके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है, तो आप अपनी बेटी की शादी में 0% इंटरेस्ट के साथ 6 लाख रुपए तक का लोन फ्री में उठा सकते हैं। दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी आपको डिटेल में दी जाएगी, आप सिर्फ कमेंट कीजिए, जिस पर अलग अलग तरीके की वीडियोस बना दी जाएंगी। साथ ही अपने राज्य का नाम कमेंट में मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपने ई श्रम कार्ड नहीं बनवा रखा है या फिर आप गरीबी रेखा से नीचे नहीं आते हैं, तो आप इस वीडियो को उन्हें ज़रूरतमंदों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो सभी ज़रूरतमंद ई श्रम कार्ड बनवा कर इन सभी सरकारी योजनाओं का भरपूर मात्रा में लाभ उठा सकें। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक ई श्रम कार्ड के द्वारा आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी खुशहाली आएंगी। दोस्तों, अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।